बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश में सह प्रभारी बहन पंकजा ताई मुंडे जी, हमारे केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे जी, केंद्र में हमारे मंत्री भागवत कराड़ जी, हमारे विजय राहतकर जी राष्ट्रीय महामंत्री, और अतुल सावे जी विधायक औरंगाबाद पूर्व, हमारे संगठन को चालना देने वाले ऐसे हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी, हरिभाव जी, हमारे सांसद मनोज कोटक जी, संजय केणेकर जी, शिरीष जी, विजय जी, हमारे प्रशांत जी, बसवराज जी, प्रवीण घुगे जी, मनोज जी, इंद्रीश जी, बापू जी, सम्मानित मंच, सभी यहाँ मंच पर सम्मानित सज्जन वृंद, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में संभाजी नगर में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मुझे इस वीर भूमि पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है उसमें आने का सौभाग्य मिला। मैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब संभाजी नगर आया हूं तो मुझे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी नमन करते हुए, इस पवित्र भूमि, पुण्य भूमि को नमन करते हुए भी मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। ये वीरों की भूमि है। अगर हम याद करें तो 1857 में आजादी की लड़ाई में यही संभाजी नगर से लगभग 24 हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान भी दिया, योगदान भी किया और लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तो एक ऐसा समय है जब महाराष्ट्र में सरकार बदली गई है और एक विकास की ओर बढ़ने वाली सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में देवेंद्र जी के सहयोग के साथ आगे बढ़ रही है। बीच में एक छोटा सा कालखंड आया जो महाविकास अघाड़ी के नाम पर महाराष्ट्र को महाविनाश की ओर ले गया। विकास के काम रुक गए, परिवारवाद हावी हो गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया और लोगों के जनहित के काम रुक गए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जब मैं महाराष्ट्र में आया हूं तो फिर से विकास के कार्यों को ताकत देकर के आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज जब दुनिया में एक तरीके से कई तरह की संकट आए हैं तो हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन मुसीबतों में भी देश पूरी ताकत के साथ आगे विकास की ओर छलांग लगाता हुआ बढ़ रहा है। इस बात को भी हमको समझना होगा। और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं। आज आप देखिए, मैं कोरोना की अगर बात करूं तो आपके सामने चाइना की तस्वीर आपके सामने है। मैं कोरोना की बात करूं तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के स्वास्थ्य सेवाएं भी लड़खड़ा गई, चरमरा गई। आप कोरोना की बात करें तो यूरोप भी एक तरीके से अपने आप को
मजबूर रूप में देखता रहा जब कोरोना आगे बढ़ा था। लेकिन हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं, और मैं यहां दृश्य देख रहा हूं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, सब बहुत नजदीक नजदीक बैठे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। आज ये ताकत अगर मुझे हम लोगों को दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 220 करोड़ वैक्सीन, 220 करोड़ टीकाकरण, 130 करोड़ की जनता को डबल डोज विथ बूस्टर लगा करके ताकत प्रदान की है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं बार बार चर्चा करता हूं कि कोरोना के दृष्टि से देखा जाए, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। इस देश में टेटनेस की दवा को आने में 25 साल लग गए, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 साल लग गए, इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा को आने में 28 साल लग गए, इस देश में पल्स पोलियो का नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लग गए, इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवा बनी थी जापान में और 2006 में भारत में आई थी। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में 20 को आया, 2020 के अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने टास्क फोर्स बनाया, भारत सरकार की ओर से दवाई की कंपनियों को रिसर्च करने के लिए पैसा भी दिया, व्यवस्था भी की, और 9 महीने के अंदर एक नहीं दो दो वैक्सीन बना करके भारत आगे खड़ा हो गया। यह भी याद करना चाहिए। और आप शायद भूल जाते हैं कि जब यह वैक्सीन बनी थी तो यही विपक्ष के लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही समाजवादी लोग कहते थे ये भाजपा का टीका है, ये मोदी टीका है, ये मत लगाओ। वो ये भी कहते थे कि इसका ट्रायल नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोगों ने 220 करोड़ लोगों को, 130 करोड़ की जनता को 220 डोज लगा करके उनको सुरक्षा कवच पहना दिया, और आज ताकत के साथ भारत खड़ा है। इस बात को भी हमको याद रखना है। और यही कांग्रेसी भाई चुपके चुपके जाके मोदी टीका लगाए, लोगों को नहीं बताया, ट्वीट नहीं किया, लेकिन मोदी टीका खुद लगवा लिया। ऐसे जन विरोधी नीतियां करने वाले लोग आज हमारे बीच में हैं। लेकिन हम वहीं नहीं रुके हैं। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में 7 गुना बढ़ चुका है। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में 6 गुना बढ़ चुका है। आज भारत डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में 4 गुना बढ़ चुका है। आज भारत केमिकल्स के सप्लाई में, एक्सपोर्ट में दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया है। आज भारत फार्मास्यूटिकल्स में दुनिया की फार्मेसी बन गया है। आज भारत स्टील में दूसरे नंबर पर आकर के खड़ा है। 8 साल पहले भारत में 92% मोबाइल बाहर से आता था, आज भारत 97% मोबाइल भारत में बना रहा है। यह भारत की बदलती तस्वीर है। और मित्रों, जब देश आर्थिक संकटों में घिरा है, उस समय भारत, जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया ब्रिटानिया, उसको पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन रही है, 5वीं नंबर की इकोनॉमी बन गई है। इसलिए मित्रों, जब मैं सारी बातें आपके सामने कहता हूं तो गर्व से यह भी महसूस होता है कि विपरीत परिस्थिति में किस तरीके से भारत ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें, यूक्रेन का युद्ध हुआ, कौन सा ऐसा देश था जिसने अपने लोगों को वापस लाने की व्यवस्था की? क्या अमेरिका ने की? क्या पाकिस्तान ने की? क्या चीन ने की? क्या श्रीलंका ने की? क्या बांग्लादेश ने की? कौन सा ऐसा देश था? लेकिन हमें यह फक्र होता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया
और 32,000 विद्यार्थी वापस सुरक्षित हमारे देश के अंदर लाने का काम किया है। इसलिए मित्रों, अगर हम विकास की कहानी कहें तो ध्यान में आता है कि देश बहुत तरीके से आगे बढ़ने का काम किया है। और यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक आम नागरिक का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, हमारी योजना क्या है, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति, उसको मजबूती देने का हमारा काम है। और फिर हम कहने के लिए नहीं कहते हैं, इस देश में 11 करोड़ बहनें ऐसी थी जिनके पास गैस का चूल्हा नहीं था। आज मोदी जी ने उनको गैस का चूल्हा भी दिया, सिलेंडर भी दिया, और उनको स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए उनकी ताकत को बढ़ाया। कैसा देश था भारत, 70 साल की आजादी हो गई और हमारे यहां घर में शौचालय नहीं था, और इनकी संख्या कितनी थी, 12 करोड़। इसका मतलब 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए घर से बाहर खेतों में जाया करती थी। कैसा देश था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनाकर 12 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह सौभाग्य योजना, 18,000 गांव में बिजली नहीं, कितनी संख्या, 18,000, 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली नहीं, 2.5 करोड़ लोगों को बिजली देने का काम किया। उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, ये सारी योजनाएं एक तरीके से भारत को मजबूती ला रही है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये छोटी योजना नहीं है, इसके कारण भारत में अति गरीबी 1% से नीचे आ गई है, 1% से नीचे आ गई है, और 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का तय किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 7 करोड़ 30 लाख घरों को, 7 करोड़ 30 लाख घरों को पानी की व्यवस्था की गई है, और हमारे यहाँ संभाजी नगर में भी 1,18,000 घरों को पानी से जल, हर घर जल पहुंचाने का भी काम किया गया है। इसलिए मित्रों, फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, 3 करोड़ 60 लाख घरों को घर बना करके दिए हैं, और उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख लोगों को 2,000 रुपये हर चौथे महीने देने का काम किया है। इसलिए विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, तो पिछले 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए थे, 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स दिए थे, और उसी तरीके से विकास की एक नई कहानी को लिखने का काम किया है। हर दृष्टि से, चाहे सड़क हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हर दृष्टि से विकास की एक नई कहानी लिखने का काम किया है। और आज हमारी कोशिश है कि फिर से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की सरकार इस काम को आगे बढ़ाए। 12 मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्र को दिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया है, इंस्टीट्यूट पर इंस्टीट्यूट दिए जा रहे हैं ताकि विकास हो सके। और यहां मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात हो, 191 किलोमीटर का मुंबई का मेट्रो हो, और उसी तरीके से मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो कंप्लीट हो रहा है उसका काम हो, जलयुक्त अभियान हो, ये सारे काम महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत तीव्र गति से किए हैं। मैं यहाँ आपके सामने ऐसी बहुत लंबी लिस्ट रख सकता हूँ जो विकास की दृष्टि से किए गए हैं, लेकिन आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं 2-3 बातें कहकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। मित्रों, एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि यह सरकार जो बनी थी, यह सरकार चुनाव के दौरान हम जब आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र, और इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े थे। उद्धव ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर
कुर्सी की गद्दी के लालच में आकर उनके साथ जाकर के मिल गए जिनके खिलाफ बाला साहब देवरस सारी जिंदगी लड़ते रहे, वही कांग्रेसी और वही एनसीपी के साथ जाकर के मिल गए। और किस लिए मिले? कुर्सी के खातिर। विचारों को का बलिदान दे दिया, वैचारिक पृष्ठभूमि को भूल गए। जो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़े होते थे उन लोगों ने नए चेहरे, नए नकाब, नए मुखौटे पहन करके वो खड़े हो गए। लेकिन आप जानते हैं असली असली होता है, नकली नकली होता है। नकली रह गया, असली वापस आ गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के फिर से राष्ट्रवादी तरीके से सरकार बनी है। और यह सरकार विकास के लिए बनी है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लिए बनी है। और मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी मजबूरी थी उद्धव ठाकरे जी को कि पालघर के साधुओं की हत्या, जो निर्मम हत्या हुई थी, उसके केस को सीबीआई को देने में कौन रुकावट आ गई थी? किसने रुकावट दी थी? कहां चला गया तुम्हारा वैचारिक पृष्ठभूमि? कहां चली गई आपकी विचारधारा? अरे सत्ता के पीछे इतने मिट गए, इतने समाप्त हो गए, इतने छोटे हो गए, कहां ले जा रहे थे महाराष्ट्र को? यह दीगर बात है, यह अलग बात है, यह इतर बात है कि ऐसा होना नहीं था, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई फिर से स्थापित हुई है, इस बात को भी हमको याद रखना है। कैसा महाराष्ट्र हो गया था? आईपीएल के मैच हो सकते हैं लेकिन दही हांडी नहीं हो सकती। आईपीएल के मैच हो सकते हैं लेकिन गणेश उत्सव नहीं मनाया जा सकता है। आईपीएल के मैच हो सकते हैं लेकिन दुर्गा पूजा पर इकट्ठा नहीं हुआ जा सकता। कैसा प्रदेश बन गया था? आज आपको इन सब चीजों से राहत मिल चुकी है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ वह भी आपके सामने है। और जब मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक हमारा जैम था, जन धन आधार मोबाइल, यानी जनधन में अकाउंट खोलो, आधार से जोड़ो और मोबाइल से पेमेंट भी करो और अपने खाते में आपको सरकार की सुविधा मिलेगी। एक इनका भी जैम है, वो JAM क्या है? वो है जॉइंटली एक्वायर मनी। इकट्ठे होकर के तीन तीन दुकानें खोल ली, तीन तीन दुकानें। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अर्पण करके आओ, फिर कांग्रेस को करो, फिर NCP को करो, तीन तीन दुकानें खोल गई, कोई काम नहीं। और आज महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है और विकास युक्त हो चुका है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। और अगर मैं कहूं DBT तो हमारा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जो पात्र है उसको डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर हो जाए। और इनकी DBT क्या थी? इनकी DBT थी डीलरशिप, डी फॉर डीलरशिप, बी फॉर ब्रोकेज और टी फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर में पैसे कमाओ, दलाली में पैसे कमाओ और डीलरशिप में पैसे कमाओ, यही धंधा बन चुका था। ऐसी सरकार को आपने उखाड़ करके फेंक दिया। मैं आपको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार मजबूती से महाराष्ट्र की जनता की सेवा में जुटेगी, विकास को आगे बढ़ाएगी और आगे ले जाने का काम करेगी। आप बताइए, ऐसी सरकार को आप साथ देंगे ना? आप ऐसी सरकार को साथ देंगे ना? ऐसी सरकार महाराष्ट्र में चाहिए ना? ऐसी सरकार महाराष्ट्र में चाहिए ना? ऐसी सरकार महाराष्ट्र में चाहिए ना? मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, हम नेक नियति से मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रदेश की सेवा में लगे हैं। यहां एक एक बैठा हुआ कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त है। यहां एक एक जनता में बैठे हुए देवी और सज्जन वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि जो लोग इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो लोग महाराष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, जो सरकारें जिनके मंत्री जेल में हो, ऐसे लोगों को नमस्कार करना चाहिए और जो लोग काम करना चाहते हैं उनका सत्कार करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे।
और मेरी बात को आप सुनेंगे। इतनी देर रात गए भी आपने मेरी बात को सुनने के लिए आप रुके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। बोलिए छत्रपति महाराज की, बोलिए छत्रपति महाराज की, छत्रपति महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरी विनती है,